अच्छा ही सरप्राइज होगा, होगा तो अब दो दिन से मेहनत की। कुछ ताला बंद करके कौन सा सरप्राइज दिखा रहा है बताइए तो, क्या सरप्राइज छोटा सा। गाइस दो दिन से इस बाइक में मिल गया कि आपने पास रखे हैं परफ्यूम का। चलो ठीक है, आज है 21 नवंबर और आज हम लोग के लिए स्पेशल दिन है। हमारा सेकेंड मैरिज एनिवर्सरी आज है और इसके लिए हम तैयारी कर चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, डेकोरेशन हो चुका है कंप्लीट और अभी फाइनली हम लोग केक काटने वाले हैं। और प्रिया के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है जो कि प्रिया कल आई है और कल से प्रिया ये वाला रूम इन नहीं की है, इसलिए मैं इसमें ताला मार के रखा हूं। इसी रूम के अंदर में प्रिया के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखिए प्रिया के लिए क्या सरप्राइज है। हाँ भाई मेरे लिए भी निकालो एक ठो, ये लीजिए छोटा सा, इसी 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 से ले लो तुम, पहले हम खिलाते हैं। हाथ क्यों पकड़ रही हो? छोटू दीदी क्या दिखा इधर दिखा, हाथ हाथ केक खा लो दे सूट करोगे जवान से जरा। नंदनी पूरा आगे ना दे एक मिनट, चलो पूरा खाओ नहीं तो मुंह में लगा देंगे। मुंह में लगाना है कि खाना है सोच लो। उन्हें खाया हो सरप्राइज है, दो दिन से इतना जल्दी क्या है, अच्छा ही सरप्राइज होगा, होगा तो अब दो दिन से मेहनत की। कुछ ताला बंद करके कौन सा सरप्राइज दिखा रहा है बताइए तो, गैस करो क्या हो सकता है, घड़ी हो सकता है, रेडियो हो सकता है,
घड़ी होता तो एक रूम में कैसे कैद हो सकता है? रेडियो तो हो नहीं सकता आजकल, रेडियो कौन सुनता है? चलो मतलब एक एग्जांपल दे रहे हैं कि रेडियो जैसा ही हो सकता है, मतलब रेडियो पहले चलता था और अभी कुछ बड़ा चल रहा है, तो ऑप्शन दे रहे हैं घड़ी हो सकता है, रेडियो हो सकता है, तुम्हारे डीएसएलआर हो सकता है, इसी टाइप में कुछ डिजिटल चीज ही मिलेगा। मतलब महंगा गिफ्ट बता रहे हैं? हाँ, महंगा मतलब समझ लो ना 50,000 से ऊपर का है। सच में तब तो झुमका होगा। झुमका तो छोटा होता है, थोड़ा सा बड़ा है। चलो कंप्यूटर कर। चाबी किसके पास है? मेरे पास नहीं है चाबी, आप लेके घूम रहे। तो सो गाइस फाइनली चाबी मिल गया, मेरे पास ही है ये बाइक मिल गया कि आपने पास रखे है। चलो ठीक है, नंदनी खोलो। मौसी खोलो। अच्छा ठीक है, तुम ही खोलो। चलो में नंदनी रिकॉर्डिंग करो तुम, ऐसे ऐसे करके। तो गाइस वीडियो में बने रहिए और देखिए प्रिया के लिए बड़ा सरप्राइज क्या है, गिफ्ट कर देंगी। तो कोई बात नहीं, ये खुल जाएगा, इसको यहाँ से ऐसे खुल गया। लाइट ऑन करो। क्या है? क्या है? कोई आदमी तो सरप्राइज नहीं है। खोल दे। खोलो ना। क्या है? तो गाइस ये बहुत दिन से जिद कर रही थी कि एक बड़ा सा जो है एलईडी टीवी चाहिए, 4K अल्ट्रा एचडी सपोर्टेड, तो हम उसके लिए फाइनली 56 इंच का 4K टीवी खरीद के लिए। सच में बहुत बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए और हम बहुत जिद मचा के रखे थे, आप बोल रहे थे नहीं लेंगे नहीं लेंगे, फिर कब ले लिए? इतना दिन देर से तो हिंट्स कर रहे थे कि क्या हो सकता है, क्या हो क्या जाने की ये ले ले। तो 2 दिन के बाद ये रूम खुला और इसके लिए ये खजाना मिला इसको, डेकोरेशन भी तो मस्त। और इसके लिए हम तैयारी भी किए हैं, आप देख लीजिए ये बैलून वगैरह का डेकोरेशन, प्लस एक एक्स्ट्रा केक भी रखे थे। इसके लिए केक भी रखे थे कि प्रिया काटेगी। पहले सबसे अच्छा चार, बहुत बड़ा सरप्राइज, इससे बड़ा सरप्राइज और मेरे लिए क्या हो सकता है? सच में दिल तमन्ना जो इच्छा जो मन का, एक साल के बाद ये खुशी तुम्हारे चेहरे पे दिख रहा है। इतना बड़ा सरप्राइज हम जिद करके पागल कर दिए थे, पर आप लिए नहीं, कब कब ले लिए हमको बताए भी नहीं, थोड़ा सा भी पहले तो थोड़ा सा भी पता नहीं चला कि ये हो सकता नहीं, एकदम सच। चलो कोई बात नहीं, और सच में थैंक यू सो मच, आई लव यू। ओके तो ये केक काट दो। ये केक एनिवर्सरी के लिए या सरप्राइज है? तो इसके लिए हम सोचे कुछ अलग एक्स्ट्रा स्पेशल इवेंट कर दे, थोड़ा सा 5-10 मिनट का। थैंक यू, बहुत अच्छा सच में, मतलब फर्स्ट से सेकंड एनिवर्सरी बहुत 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 अच्छा यादगार रहेगा तुम्हारे लिए। तुम भी नहीं नहीं, नहीं आप साथ में Happy marriage anniversary. God bless you. बहुत लगा दिए हमको, थोड़ा और लगाएंगे इसको, नहीं फोड़ो मत फोड़ो इसको, उसको नहीं फोड़ा नहीं था।
हर बार मम्मा को खाइए ना, इतना बड़ा सरप्राइज है। भाभी दूर बैठ जाइए। नो टंकी कहीं का। ऐसा केक खा रहा है कि फिर कभी केक खाने को नहीं मिलेगा। आज केक से ही पेट भरना है। ओ पुजी भाई इधर आ जाओ। परी अब मौसी फेस तो पूरा खिलाई गया। तो गाइस ये के लिए यही सरप्राइज था, तो थोड़ा सा प्ले करके दे। नहीं फूट रहा है। ओह गॉड, इसको ना ऐसे छेदा करना होगा। कोई बात नहीं, पता है इसमें पानी चला गया इसलिए नहीं हो रहा। चार बहुत बड़ा सरप्राइज, इससे बड़ा सरप्राइज और मेरे लिए क्या हो सकता है। सच में दिले तमन्ना, जो इच्छा, जो मन का, एक साल के बाद ये खुशी तुम्हारे चेहरे पे दिख रहा है। इतना बड़ा सरप्राइज, हम जिद करके पागल कर दिए थे, पर अपने लिए नहीं। कब कब ले लिए हमको बताए भी नहीं। थोड़ा सा भी पहले तो थोड़ा सा भी पता नहीं चला कि ये हो सकता है। नहीं एकदम सच। चलो कोई बात नहीं। और सच में थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, आई लव यू। ओके तो ये केक काट दो। ये केक एनिवर्सरी के लिए या सरप्राइज? सरप्राइज है तो इसके लिए हम सोचे कुछ अलग एक्स्ट्रा स्पेशल इवेंट कर दे, थोड़ा सा 5-10 मिनट का। थैंक यू, वाओ बहुत अच्छा है सच में। मतलब फर्स्ट से भी सेकंड एनिवर्सरी बहुत 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 अच्छा यादगार रहेगा तुम्हारे लिए। तुम भी कर सकते। नहीं नहीं आप साथ में Happy marriage anniversary. God bless you. What? I did not do it. Oh, God, they got it. What color did you? बहुत लगा दिए हमको, थोड़ा और लगाइए। इसको नहीं फोड़ो, मत फोड़ो इसको, उसको नहीं फोड़ना था। हर बार मम्मा को खाइए ना, इतना बड़ा सरप्राइज है। रुक रुक भाभी दूर बैठ जाइए। नो टंकी कहीं का। बाप रे कहीं में माहिर है क्या? ऐसा केक खा रहा है कि फिर कभी केक खाने को नहीं मिलेगा। आज केक से ही पेट भरना है। ओ पुजी भाई इधर आ जाओ। परी अब मौसी फेस तो पूरा खिलाई गया। तो गाइस ये के लिए यही सरप्राइज था, तो थोड़ा सा प्ले करके दे। नहीं फूट रहा है। पता है इसमें पानी चला गया इसलिए नहीं हो रहा। Thank you.
सो गाइस, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। और प्रिया को मेरा सरप्राइज बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हो गई। और मैं सच कह रहा हूँ, एक साल के बाद इसके फेस पे इतना ज्यादा खुशी मैं देखा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। प्रिया को आज इतना खुश देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये सब इसके खुशी के लिए। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट तो दिए नहीं तो ये मेरी बेटी, क्यूट बेटी। हाय करो, बोलो, लाइक करो। लाइक करेगा वीडियो को देवान? लाइक करेगा? नहीं नहीं करेगा। सब्सक्राइब करेगा चैनल को? लाइक करो। सब्सक्राइब करेगा, लाइक नहीं करेगा। तो गाइस, लाइक जरूर कीजिएगा। इन इन छोटे छोटे बच्चों के बात पे मत रहिएगा, लाइक कीजिएगा प्लीज। करेगा ना लाइक? यहाँ पे आके बोलो इशारा करके, ऐसे लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक कीजिए। तो सो गाइस, ब्लॉग अब खत्म करते हैं और रात काफी हो गया है और हम लोग अभी खाना वाना खा के और सो जाएंगे, फुल्ली सो जाएंगे।